हेलो स्टूडेंट्स, कुछ बातें आप लोगों से करनी थी सीबीएसई के लेटेस्ट अपडेट से रिलेटेड। इधर बीच काफ़ी लोगों का बार बार कमेंट्स आ रहे हैं, बार बार मैसेज आ रहे हैं, बार बार बच्चों की कॉल्स आ रही है कि सर हम लोग का जो पेपर छूटा हुआ है वो पेपर कैसे होगा और आगे का शेड्यूल क्या होगा, सीबीएसई का कैसे एग्ज़ाम वो कंडक्ट कराएगी और कौन कौन से पेपर हम लोगों को दोबारा देने पड़ेंगे, कैसे कैसे रिजल्ट कब हम लोगों का डिक्लेयर होगा। और जो बच्चे अभी टेंथ में गए हैं, जो नाइन्थ पास करके अभी टेंथ में गए हैं, वो भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बार बार कर रहे हैं। तो मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अभी मैं सीबीएसई की साइट ही चेक कर रहा था, तो सीबीएसई ने कुछ पांच बड़ी बातें कल ट्वीट करी हैं, उन पांच बातों को आपको जानना है और साथ में जिसमें से चार बातें आपके काम की, एक बातें जो स्कूल जो सेंटर्स लेते हैं उनके अथॉरिटी का है। तो हमने सोचा कि आपको इसलिए बता दूं ताकि आप लोग जान जाइए, जो आप लोग बार बार परेशान हो रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं सर कॉपी क्यों नहीं चेक हो रही है, कॉपी चेक हो सकती है कि नहीं चेक हो सकती है, तो इससे रिलेटेड कुछ बातें थी उसको आइए हम लोग जान लेते हैं। पहली बात यह है कि सीबीएसई ने सीधे कह दिया है कि अब तक क्या था, आपको पता होगा कि 31 मार्च तक सारे पेपर्स कंडक्ट कराने थे, सारे सेंटर्स वालों को अपने अपने एग्जाम कंडक्ट कराने थे, लेकिन अभी क्या हो गया, लॉकडाउन हो गया है, 14 अप्रैल तक है। तो सीबीएसई ने बोला है कि 25 अप्रैल तक आपको वेट करना है, 25 अप्रैल के बाद में दिशा निर्देश फिर से प्रोवाइड कराएंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन मेरी बात पहले सुनिएगा, आपको खुद को अपने से सोचना है कि जब हमारी सरकार हमको राशन 3 महीने का फ्री दे रही है, आरबीआई कह रही है, सीधे सीधे कह रही है कि अगले 3 महीने तक कोई ईएमआई नहीं लिया जाएगा, तो आप इस बात को खुद समझिए कि क्या आपका एग्जाम 25 अप्रैल के बाद कंडक्ट हो सकता है। ऑप्शंस क्या बनते हैं आप खुद सोचिएगा, दो ऑप्शन, या तो आपको फिर से वो प्रमोट कर देंगे, आपको अगले एग्जाम में वो लोग प्रमोट कर देंगे कि ठीक है चलिए आपको अगले क्लास के लिए प्रमोट कर दिया जा रहा है, वैसे अभी ये क्लियरिटी नहीं है, मैं आपसे एक संभावना सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। या तो क्या करेंगे, जो आपके जो एकेडमिक से पिछले रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग ये लोग काम करेंगे। हालांकि सबसे बड़ी दिक्कत उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का अभी क्लास स्टार्ट होनी है, क्लास 10th की, तो उन लोगों के लिए सीबीएसई ने ये कहा है कि जो आपके स्कूल की टीम है, जो आपके कॉलेज की टीम है, वो क्या करेगी कि वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करेगी आपके व्हाट्सएप के ग्रुप पे, बच्चों को व्हाट्सएप से पढ़ाया जाएगा, वो यूट्यूब पे आपको वीडियोस बनाएंगे, आपके लिए शूट करेंगे ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे, ताकि आप अधिक से अधिक मार्क्स स्कोर कर सके, ठीक है। इसलिए आपको परेशान नहीं रहना है। और साथ में भी हमारे एक स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर जो कॉपी जितने पेपर्स हो गए हैं उतनी कॉपियाँ क्यों नहीं चेक हो रही हैं, तो एक बात ये जान लीजिए कि जो कॉपी चेक होती है भैया, जितने आपके एग्ज़ाम हो रहे थे ना, जितने आपके जब एग्ज़ाम हो रहे थे, तो जब एग्ज़ाम शुरू होता है तो एग्ज़ाम शुरू होने के एक दो पेपर होने के बाद कॉपी चेकिंग की स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसलिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि सारे एग्जाम हो जाएंगे तब कॉपी चेक होगी, ऐसा नहीं होता है। एग्ज़ाम चलता रहता है, जो पेपर आपके हुए होते हैं उसकी कॉपियाँ चेक होती रहती हैं। तो चूंकि पूरा बीच में पूरा लॉकडाउन ही हो गया है, तो इसलिए सारा डिपार्टमेंटल काम सब कुछ स्टॉप हो गया है, आपको एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साथ में सीबीएसई ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, उस टोल फ्री नंबर पे भी आपको सिर्फ इसलिए डायल किया गया ताकि आप कोरोना से सेफ रहिए, क्योंकि हमें आपको ये लगता है ना कि ये कोई नॉर्मल बात है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। पूरा देश और हम सारे छात्र जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, ऑल ओवर इंडिया के बल्कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में है, सब इससे ग्रसित हैं। इसलिए आपको बिल्कुल एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है और आपको खुद से सोचना कि 25 अप्रैल बाद, हालांकि कुछ देखिए अपना शेड्यूल सीबीएसई जारी करेगी, जो भी दिशा निर्देश देगी, हालांकि सीबीएसई ने यह कह भी दिया है कि जो हमारा गाइडलाइन होगा वो सरकार की गाइडलाइन पे होगा, जो सरकार की गाइडलाइन अगली होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग अगला दिशा निर्देश लेंगे। सारी यूनिवर्सिटीज़ का भी यही कहना, सारी यूनिवर्सिटीज ने भी कह दिया ठीक है सारे एग्जाम्स जो है अब डिपेंड करेंगे इस पे, जो गवर्नमेंट की स्थिति होगी, जो हमारे देश की स्थिति होगी, जो कोरोना वायरस की, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अगला स्टेप्स लेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, एकदम आपको परेशान नहीं होना, हम लोग मिलकर काम करेंगे, हम लोग लगातार इस पे काम कर रहे हैं, लगातार आपको वीडियोस दे रहे हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अपने पढ़ाई आपके पास बुक है, एनसीईआरटी नहीं है तो आप ऑनलाइन शिफ्ट होइए, ऑनलाइन बहुत सारे चैनल, हम ये नहीं कह रहे कि आप नहीं हमारे चैनल पे पढ़िए, बहुत सारे चैनल, आप कुछ वहाँ पढ़ाई अपने स्टार्ट करिए। हालांकि जो आपके स्कूल वाले लोग हैं वो लोग अपना काम करना स्टार्ट करें, जिसका रिजल्ट आपको दिखेगा 1 अप्रैल बाद आपकी स्कूल की टीम जो होगी एक्टिव हो जाएगी, वो आप वहाँ पर अपना करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। एक बात और जरूरी बात जो बतानी थी आपको, एचआरडी को सब लोग जानते होंगे, उसने सीधे सीधे सीबीएसई और एनसीईआरटी से कह दिया है कि भैया आप लोग अपना एक कैलेंडर बना लीजिए, कैलेंडर बना के जो कैलेंडर क्या होगा, हमें लगता है एटलीस्ट स्टार्ट होगा कब से, ये मे बी मई से स्टार्ट होगा जो भी कैलेंडर ये लोग नया क्रिएट बनाएंगे, ठीक है। तो अगर होना भी एग्जाम होगा तो कब होगा एग्जाम, मई में या जून में एग्जाम होगा,
ठीक है, फिर अभी क्योंकि अभी दूसरा कैलेंडर बनेगा, उसके बाद फिर एग्जाम होगा, तब हम लोगों को तक बातें पहुंचेंगी। तो इसलिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, और फालतू की सूचनाओं, फालतू की समस्या जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। और अगर आपको और ज़्यादा अपडेट्स जानने तो आप CBSE के साइट पर जा सकते हैं, जो बातें मैंने बताई आपको वो बातें आपको वहाँ पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट पर हमसे संपर्क करिए, हम प्रयागराज में हैं, हम आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। धन्यवाद।